23rd ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम कर लिया था, क्या आंसर है? लास्ट लेक्चर का काम है, बोलो क्या आंसर मार्क करोगे? बी, बस ठीक है, टाइम ओवर। आप कहोगे टाइम ओवर क्यों बोल दिया? क्योंकि इसको सॉल्व करने की जरूरत है तुम्हें। ये देखो, मैंने आपको कहा था एक कॉर्ड है, रस्सी है, लास्ट टाइम बताया था, रस्सी है, एक मास लगा हुआ है और यहाँ पर आप फोर्स है, लेकिन आप इसे लोअर नीचे कर रहे हो, नीचे कर रहे हो। जब नीचे कर रहे हो तो फोर्स ऊपर लगा रहे हो, तो वर्क डन तो नेगेटिव ही आएगा, और इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन नेगेटिव है, तो कर क्या रहे हो? तभी बोला टाइम ओवर, खत्म हो गया। लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन पूछा है मैंने, ऐसे किया था ना, अब लोअर कर रहे हो कॉर्ड को, तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 180, और फोर्स की जगह ये आंसर क्या आएगा? माइनस एफ इंटू डी, ऐसे था ना, और फोर्स की जगह वैसे क्या पुट करते हैं? एम जी, पर ये क्या कर रहा है? नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ जी बाई फोर, तो एम इंटू जी माइनस ए इंटू डी। जब नीचे आते हैं तो लिफ्ट में क्या होता है? जी माइनस ए, और ए की जगह जी बाई फोर। सॉल्व क्यों कर रहा हूं मैं, माइनस हो तो क्या? यही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपको फटाफट ट्रिक्स बताऊं और आप फटाफट आंसर बोलें। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम किया था, ये आज क्वेश्चन किया, बोलो इसका आंसर। बी, हाँ, आज हमने लैम्डा वाला क्वेश्चन किया था, चेन लटक रही है, लीनियर मास डेंसिटी, इसने चला कि इसे लीनियर मास डेंसिटी को लैम्डा की जगह डी बोल दिया। अपने कॉपी में चेक करो तो डी जी लैम्डा जी वाला किया था, ये रहा। पहचान में आ रहा है? ऐसे पहचान में आएंगे क्वेश्चन जब पेपर में जाओगे, वैल्यू चेंज कर देगा ना। ये वाला क्या आंसर है? ए, क्यों, कैसे पहचान में आया? वेलोसिटी क्यूब, आज पंप वाला क्वेश्चन किया था, पानी बाहर फेंक रहे, तो मैंने कहा था वेलोसिटी का क्यूब आए एरिया इनटू वेलोसिटी करके, वेलोसिटी क्यूब, चेक करो आज की कॉपी में लिखा हुआ है, वी क्यूब से पहचान में आ रहा है। और यही तो प्रैक्टिस है, देखते ही पता लगता है कि क्या आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन किया हुआ है, किया हुआ है लास्ट टाइम, याद है पानी वाला क्वेश्चन किया यूट्यूब में, वो लिक्विड ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव कर रहा था, ये वही क्वेश्चन है। अब इतना बड़ा मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, मेरी बुकलेट के अंदर प्रिंटेड है। समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन है? ये ट्राई करने आपने, ये हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, तुमने तो घर जाके इसको द्वारा करके देखने है, आपने तो आंसर मैचिंग करनी है ना। अभी तक आपको सिर्फ आइडिया हुआ है कि कैसे करना है, हुआ थोड़ी ना, हुआ तो मेरी बुकलेट में हुआ है, आपने तो घर जाके इसे ट्राई करके एंड टू एंड मार्किंग करनी है, तब सही मान्य जाएगा कि हो गया। ठीक है, ये नहीं हुआ, ये लो, ये भी करो, ये नहीं हुआ, ट्राई किया हुआ है, हाँ प्रोजेक्टर लगेगा इसमें, मैक्सिमम रेंज है ना, प्रोजेक्टर लगेगा, पहले वी निकलेगा, पहले आप इसकी वेलोसिटी निकालोगे क्या होगी। क्वेश्चन है कि एक ना 15 ग्राम की बॉल है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, कंप्रेस 5 सेंटीमीटर कर दिया, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन है। देखो इसमें मैंने ना अपना पहला डायग्राम ऐसा बनाया कि एक स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे है, और मैंने इसे पूरी तरह कंप्रेस कर दिया है ना, तो मैंने इसे कंप्रेस करके रखा हुआ है,
और मैंने इसको छोड़ दिया। जैसे मैंने इसको छोड़ा, ये अपनी नेचुरल लेंथ पे आएगा और फिर ब्लॉक के साथ अपना कॉन्टैक्ट छोड़ देगा, स्प्रिंग वहीं रुक जाएगा और ब्लॉक वी के साथ आगे भाग जाएगा। तो स्प्रिंग एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो मैंने इसमें ऐसा किया, यहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जब इसको दबा के रखा हुआ पोजीशन नंबर वन में, और जब ये पूरा नेचुरल लेंथ पे खुल गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस स्प्रिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वेट करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों में होगी नहीं, दोनों टेबल पे तो हो रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है इसमें। फिर मैंने क्या किया, स्प्रिंग एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, और दबा के रखा हुआ है तो काइनेटिक क्या है यहाँ पर, जीरो। और जब नेचुरल लेंथ पे है तो स्प्रिंग एनर्जी क्या होगी, जीरो, कंप्रेशन तो है ही नहीं, और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक में। तो आज के बाद जब ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि स्प्रिंग को दबा के छोड़ दिया, ब्लॉक को स्प्रिंग दबा के छोड़ दिया, तो ऐसे मत करना, समझाने के लिए है। अब सिंपल एक काम करना, स्प्रिंग की एनर्जी स्ट्रेट फॉरवर्ड किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, बस और कुछ एनर्जी इन्वॉल्व ही नहीं है। तो स्प्रिंग एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट कर देना, दैट्स इट, कुछ ना करना, हाफ से हाफ कैंसिल। आपको के की वैल्यू 600 गिवन है, कंप्रेशन आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। मास कितने चेक करना, 15 ग्राम है, ये केजी में कन्वर्ट करके वेलोसिटी स्क्वायर से क्या आ गई, वेलोसिटी निकाल देना, 10 आ गई, ओके 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। आपको ये पता लग गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की जब ये चलेगा। अब चलाना कैसे है ये नहीं पता लग रहा, वी स्क्वायर बाय जी किया। देखो अब ये ना अपनी थोड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गई, उसने बिल्कुल भी नहीं कहा, उसको देना चाहिए था कि कितने एंगल पे चल रही है, एंगल पे स्प्रिंग लगाया है, कैसे दबाया, उसको कुछ कहा नहीं। तो मैंने भी स्ट्रेट ले लिया, पहले मैंने ना सोचा टेबल पे पड़ा हुआ है ये, पहले तो मैंने ये सोचा ये पूरा अरेंजमेंट टेबल पे पड़ा हुआ है और ये ब्लॉक वी इज इक्वल टू 10 के साथ जाएगा और फिर ये ऐसे नीचे गिर जाए। आप ये कर रहे थे अभी, ऐसे ही कुछ सोचा, मैंने भी ये सोचा यार टेबल के ऊपर स्ट्रेट है फिर ये रेंज निकालनी है। प्रॉब्लम ये है मेरे को एच नहीं गिवन, तो फिर मैं समझ गया टेबल के ऊपर है ही नहीं, फिर ये कैसा है, फिर ये एंगल पे चला रहा है, ऐसे एंगल पे चला रहा है, 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन होने वाली है, तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आर मैक्स लगानी पड़ेगी वी स्क्वायर बाय जी, प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट है, 45 डिग्री पे फेंक दिया तो यहाँ पर वी पता है आपको, जी पता है, यहाँ से आंसर आएगा, मैक्सिमम रेंज ऐसे आएगी। पर यह प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि बंदा क्या सोचा कि क्या करना है, फिर यही कर सकते हैं और कुछ कम नहीं सकते। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो अगला रिजल्ट लगना तो प्रोजेक्टाइल का ही था मैक्सिमम रेंज के लिए, तो वी स्क्वायर बाय जी का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा, डन, ये आंसर है, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है। ये हमने कर लिया स्लोप वाला क्वेश्चन जो था, स्ट्रेट लाइन स्लोप, ये क्वेश्चन का आंसर। किया ये क्वेश्चन, अभी लास्ट क्वेश्चन यही तो था, काइनेटिक एनर्जी एक्स के साथ चेंज हो रही है, यहां पर एक्स की जगह एस कर दिया, तो इसमें टेंजेंशियल एक्सलेशन वाला केस है। जब भी टेंजेंशियल एक्सलेशन की प्रॉब्लम आती है ना, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, वैसे नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, जब जो डाउट पूछ ना बच्चा, सर क्वेश्चन देखना ये, तो मेरे को ये तो पता लग जाता है टेंजेंशियल एक्सलेशन है, और अगर टेंजेंशियल है तो अंडर रूट में ही आंसर आएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, और मेरे को अंडर रूट में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दिख रहा है, आइडिया तो हो ही जाता है, होगा तो कुछ अंडर रूट में, देख रहे हो बहुत क्वेश्चन में ये चलता है, क्योंकि जिसमें टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल दोनों हैं उसमें तो अंडर रूट आना ही आना है ना, और एक ही क्वेश्चन जिसमें अंडर रूट और है ही नहीं। चलो पर मैं सॉल्व करना सिखा दिया आपको, ठीक। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया पावर वाला, मैंने बता दिया 1/3 वाला सेम है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट एक लास्ट वाला, ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, समझ में आ रहा है कैसे, क्या गिवन है इसमें, काइनेटिक एनर्जी ए एक्स स्क्वायर है, ये सेम क्वेश्चन है, और जिसका आंसर अंडर रूट वाला होगा, लेकिन प्लस माइनस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर है, प्लस है माइनस तो है ही नहीं,
सर मेथड समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, तो